सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल योर न्यू डायरेक्शन पर। साथियों, वैकेंसी आ रही है स्वास्थ्य विभाग में, वैकेंसी आई है सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के पदों के लिए। ये वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो अधिकतम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य रखा गया है। सैलरी यहाँ पर पे स्केल जो आपका है लेवल 9th के अनुसार दिया जाएगा। 1056 पदों के लिए यह भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। ऑल इंडिया जॉब है, कोई भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2019 है। इस भर्ती की और बेसिक इन्फॉर्मेशन, आयु वगैरह, कैसे आवेदन करना है, ये सभी चीज़ें हम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चल के देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि काउंसलिंग का कार्यक्रम है, यानी कि आप किसके लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। तो देखिए, एक काउंसलिंग होगी 14 अक्टूबर को, एक होगी 15 अक्टूबर को और एक होगी 16 अक्टूबर को। 3 दिन यहाँ पर काउंसलिंग होगी सुबह 10 बजे से, ठीक है। अब जैसे कि एनाटॉमी के लिए यहाँ पर जो आपकी काउंसलिंग है वो 14 तारीख को होगी, फिजियोलॉजी की, पैथोलॉजी की और माइक्रोबायोलॉजी की, फार्मोलॉजी की, ये आप 14 अक्टूबर को होंगी। PSM की बात करें, FMT की बात करें, बायोकेमिस्ट्री की बात करें और उसके बाद है चर्म एवं रति रोग और रेडियोलॉजी, इनकी काउंसलिंग 15 अक्टूबर को होगी। नाक कान गला नेत्र रोग, PMR और निश्चेतना मनोरोग, इनकी काउंसलिंग 16 अक्टूबर की होगी। यानी कि आप जिससे संबंधित आवेदन कर रहे हैं उसकी काउंसलिंग आपको उस दिन यहाँ पर करवानी होगी। इसके लिए जो योग्यता चाहिए रहेगी वो केवल पोस्ट ग्रेजुएशन आपको पास यहाँ पर मांगा गया है। केवल पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग की आप डेट देख लिए हैं, उसके बाद ये सभी चीज़ें आपकी 31 जुलाई 2019 तक, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है वो सब आपका लगभग लगभग कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और आवेदक की जो सीमा है यानी कि आयु सीमा हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो आयु सीमा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अनारक्षित पुरुष 37, अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष, और यहाँ पर अगर हम बात करें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 वर्ष यहाँ पर आयु रखी गई है, ठीक है। तो ये आयु सीमा है 1/7/2018 तक ये मांगी गई है। तो इसके अनुसार अगर आपकी आयु सीमा कंप्लीट है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों पद के लिए आयु सीमा यहाँ पर सेम रहने वाली है। आवेदन साथियों 21 सितंबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर 2019 तक चलेंगे। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से www.healthbih.nic.in पर लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप आसानी से आवेदन भी कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो परीक्षा होंगी उनके जो प्राप्त का कुल अंक इस प्रकार से दिया जाएगा, यानी कि अगर 70% से ऊपर आपका रहेगा तो 5 अंक, 65 से रहेगा तो 4, उससे नीचे 3, 2, फिर 1, तो ऐसे आपको अंक मिलेंगे और इसी अंक के अनुसार यहाँ पर सिलेक्शन भी किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो उसमें जो मेरिट बनेगी उसके अनुसार ही यहाँ पर बनेगी। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बता दिया है सभी चीज़ें, और सभी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आयु वगैरह कोई फीस ही सर यहाँ पर आपको जो फीस वगैरह है वो कोई फीस आपको नहीं देनी है। अब वैकेंसी की डिटेल्स यहाँ पर देख लीजिए, टोटल जो वैकेंसी हैं वो 1056 पद हैं और अलग अलग यहाँ पर दी हुई हैं, अलग अलग वैकेंसी कैटेगरी वाइज डिवाइड करी है, माने फिजियोलॉजी की, बायोकेमिस्ट्री की, तो सभी यहाँ पर पोस्ट के अनुसार यहाँ पर डिवाइड की गई हैं, तो आप इनको देख लें। सभी के लिए योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन ही मांगी गई है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करें, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।